तत्व को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो हमने देखा। अलग अलग तरीकों से हम जान सकते हैं तत्वों को। आज हम देखेंगे तत्वों के कार्य, कौन से तत्व का क्या कार्य होता है और कौन से तत्व में हमें क्या करने चाहिए, वो हम आज देखेंगे। जैसे पृथ्वी तत्व, ये स्क्रीन आपको विजिबल है, दिख रहा है आपको सबको? अब थम्स अप कर दीजिए तो मुझे पता चले स्क्रीन विजिबल है आपको, सबको दिख रहा है। हाँ जी, तो ये जी पृथ्वी। सर, हाँ, तो अब हम तत्वों के कार्य की बात करेंगे। पांच तत्व हमारे पास जो है हमने देखे, तो हर एक तत्व का अपना अपना गुण धर्म होता है। हाँ, तो जैसे हमने देखा कि पृथ्वी तत्व जो है वो 20 मिनट तक चलता है, 1 घंटे में। कोई भी एक सांस होती है हमारी, एक स्वर जो होता है वो 60 मिनट चलता है अप्रोक्सीमेट। तो उसमें पांच तत्व चलते हैं अलग अलग, तो उसमें पृथ्वी तत्व जो है वो 20 मिनट तक चलता है। तो पृथ्वी तत्व को चकोर यानी स्क्वेयर, चौरस जिसे हम कहते हैं, चकोर जो है उसका शेप है और पित्त वर्ण है, जैसे गोल्ड जैसा सुवर्ण, तथा उसकी जो सुवर्ण जैसी है वो, और तथा उसका जो गंध है, स्मेल है, वो सुंदर होगी, मीठी सी होगी पृथ्वी तत्व को। इस तरह से हम उसे जान सकते हैं कि स्मेल जो आती है वो, उसकी गंध जो है वो सुंदर होगी यानी एकदम मीठी सी होगी। ये स्वरूप भी हो गया उसका, चकोर हो गया, कलर भी हो गया और टेस्ट भी हो गया, कि हम पृथ्वी तत्व को किस तरह से जानेंगे। फिर जो बीज मंत्र है पृथ्वी तत्व का वो है लम। आप जब लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव होता है, जो मूलाधार चक्र से संबंधित है। अब बोला मूलाधार चक्र का बीज मंत्र आप देखिए, लम है ना, जब आप लम का उच्चारण करते हैं तब आप अपने अंदर पृथ्वी तत्व को एक्टिव करते हैं उस समय। तो यदि आपको किसी कार्य के लिए पृथ्वी तत्व की जरूरत है तब आप लम शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे जागृत कर सकते हैं। हाँ, तो लम जो बीज मंत्र है वो पृथ्वी तत्व का, ठीक है। फिर पृथ्वी तत्व में जो भी कार्य किया जाता है वो स्थिर रहता है। इसे आप नोट करना चाहें तो कर लें, भले आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो पृथ्वी तत्व में आप जो भी कार्य करोगे वो स्थिर रहेगा, हमेशा लंबे समय तक आपके पास रहेगा। जैसे कि विवाह करना है तो विवाह में लंबा चलाना होता है ना, वो सफल होता है। जब पृथ्वी तत्व में विवाह की शुरुआत होती है वो विवाह जो है वो शुभ होता है। या किसी व्यापार की आपने शुरुआत कर ली तो वो व्यापार स्थिर रहेगा, यानी उससे आपको बंद नहीं करना पड़ेगा और सफल होगा। यदि आपने पार्टनरशिप पृथ्वी तत्व में कर ली, अर्थ एलिमेंट में, उस समय आपका यदि अर्थ पृथ्वी तत्व चला है तब आपने पार्टनरशिप की पे साइन की, जो भी एग्रीमेंट है आपका, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो पार्टनरशिप जो है वो काफी लंबी चलेगी। तो जैसे हमने कल देखा लास्ट क्लास में कि जो भी आपका स्वर चल रहा है उसमें हमें पहले तत्वों को पहचानना है, बराबर है। अभी मान लो हमें कोई भी शुभ कार्य करने हैं वो चंद्र स्वर से करने हैं, इतना तो हमें मालूम है। जो भी उग्र कार्य करना है वो सूर्य स्वर से करना है। तो अभी आपको शादी ब्याह करना है वो तो शुभ हो गया ना, तो सीधी सी बात है हमें चंद्र स्वर पहले पकड़ना है, फिर उसमें देखना है कि पृथ्वी तत्व चल रहा है, ये आपको उस पर मास्टरी करनी होगी, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है उसमें। 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करें कि आपको पकड़ में फिर आ जाएगा कि पृथ्वी तत्व किस तरह से चलता है। तो पृथ्वी तत्व में आपने कोई भी एग्रीमेंट किया, जैसे पार्टनरशिप की, या कोई भी एग्रीमेंट किया, या आपने आपकी दुकान, नई दुकान है, नया बिजनेस है, उसकी शुरुआत की उस समय, तो वो लंबा चलेगा। मान लो आपने शादी की, उस समय शादी का मुहूर्त निकाला, जो भी आपका स्वर चल रहा है उस समय, अगर पृथ्वी तत्व है तो वो शादी जो है वो सफल होगी, वो लंबी चलेगी। ये शास्त्रोक्त वर्णन इस तरह से किया हुआ है शास्त्र में। तो पृथ्वी तत्व में कोई भी आप शुभ काम करोगे या कोई भी काम करोगे वो स्थायी रहेगा, हमेशा वो सफल रहता है। तो इस तरह से हमें पृथ्वी तत्व में काफी महत्व के कार्य
काम करने चाहिए। फिर आता है जल तत्व जो अंदाजन 16 दस चलता है, तो उसका आकार जैसे हमने पिछली बार देखा था आधा चंद्रमा समान होता है उसका आकार। और वम उसका जो बीज मंत्र है वम स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार से ऊपर वो जल तत्व को जो चक्र जो है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है वो। तो वम यदि आपको जल तत्व की आवश्यकता हो कि मुझे जल तत्व में ये काम करना है तब आप वम बीज मंत्र का उच्चारण करके भी अपने अपनी तत्व को चला सकते हैं। एक मिनट पर पूरा क्या हुआ जो स्क्रीन विजिबल है आपको सबको विजिबल है ना, तो फिर प्रश्न बाद में करें, पहले जल तत्व का पूरा हो जाए फिर उससे रिलेटेड प्रश्न है तो आप करें फिर। हाँ एक बार मैं बता दूं थोड़ा। हाँ तो उसका जो शेप है आधा चंद्रमा ऐसा है और वम बीज मंत्र जो है वो जल तत्व का है जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को रिप्रेजेंट करता है वम बीज मंत्र। तो जल तत्व में किया हुआ कार्य शीघ्र सफल होता है। देखिए पृथ्वी तत्व में भी सफल होता है मगर जल तत्व में बहुत जल्दी वो सफल होता है। जल तत्व में शुरू किया गया व्यापार शीघ्र आपको सफलता देगा। देखिए पृथ्वी तत्व में भी सफलता मिलेगी मगर उसके मुकाबले जल तत्व में जल्दी सफलता मिलेगी। जल तत्व में की हुई शादी भी सफल होती है, की हुई भागीदारी लंबी चलती है और सफल होती है। जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो जल तत्व में भी आप उसे सफल कर पाओगे यदि करोगे तो, यानी जल पृथ्वी दोनों में, मगर जल में सफलता आपको जल्दी मिलती है। जल तत्व में की हुई यात्रा अचूक सफल होती है। आप जिस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं जिस काम के लिए, तो जल तत्व में आप घर से निकलें। देखिए हमने पहले क्या देखा, जो हमारी नासिका चल रही है वो पैर हमें बाहर रखना है जब हम बाहर जाते हैं, तो ये एक जनरल हो गया। फिर उसमें हमें दिन देखना है कि हमें क्या काम जाना है। मान लो आप मुंबई रहते हो और आपको दिल्ली जाना है कोई काम से, तो आप घर से जब निकलोगे तो पहला सिनेरियो हमें क्या था, जैसे हम केजी में पढ़ रहे थे कि भाई चलो जो स्वर चल रहा है वो पर हमने बाहर रख दिया, ठीक है। उस समय हमें दिन का भी नहीं पता था, न पक्ष का पता था, बराबर तत्व का पता था। अब तो हमें सब पता चल गया है, तो हमें एक से एक कड़ी जोड़नी है, समझे आप। तो हमें पहले दिन देखने हैं, तो शनि रवि मंगल ये सूर्य के दिन है, ये आपको पता चल गया। सोमवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार ये चार चंद्रमा के दिन है, तो ये चार दिन शुभ काम के लिए पहले चुनना है, एक तो ये तय हो गया। फिर चुनना है पक्ष को, आप कौन से पक्ष पे जाएंगे, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष जो है वो चंद्रेश्वर का है, तो हम शुक्ल पक्ष पसंद करेंगे पहले, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के अंदर वो चार वार लेंगे हम, सोमवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, वो पसंद करेंगे पहले हम। देखिए मैं आपको वो बता रहा हूं किस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम बनाएंगे जब आपके पास टाइम है ये सब चीजों के लिए, तब इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब जो सिचुएशन आप हाथ में नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर आप क्या करोगे, अभी आपने तय कर लिया कि शुक्ल पक्ष में ये तारीख आती है, ये वार आता है, इस वार को मैं निकलूंगा। और वार पक्ष में भी हमने देखिए एक दो और तीन तिथियां में चंद्रस्वर, चार पांच छह सूर्यस्वर, तो उसमें भी आप तिथि में भी वो तिथियां पसंद करें जो चंद्रस्वर की हैं शुक्ल पक्ष में भी। फिर जब आपने एक मान लो आप तीज को निकल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस दिन आपका बुधवार आता है, हम मान के चलें आपने दिन भी सेट कर लिया पक्ष भी सेट किया और चंद्रस्वर भी है वो, बराबर है। अब आपको जब निकलना है उस दिन तो आप क्या करोगे कि चंद्रस्वर पे आप निकलोगे, लंबी यात्रा पे जाना है, बॉम्बे से दिल्ली जाना है पहली बात तो ये, ठीक है। और वो जो इस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, फिर उसमें आपको देखना है कि आपका पृथ्वी तत्व चलता है या चंद्रस्वर चंद्र अपना जल तत्व चलता है, वो हम देखना है। बाकी तीनों पे नहीं जाना, ये दोनों में अभी हमने देख लिया, आगे उसका भी रिजल्ट देखेंगे तीनों तत्वों का। तो इस तरह से हमें ये देखना, आपको मालूम है कि मैं जल तत्व में निकलूंगा मेरा काम होने वाला ही है, तो आप जल तत्व को चेंज कर, अब पानी पियोगे आप तो जल तत्व एक्टिव होगा ना,
या कोई मीठा खाओगे, जैसे हम घर से बाहर निकलते थे तो शुभ कार्य के लिए निकलते थे, तो पहले हम मीठा खा के निकलते थे ना घर से, जैसे दही उसमें शक्कर डाल के थोड़ा लेते थे, या गुड़ ले लिया आपने, तो वो पृथ्वी तत्व तो आपका एक्टिव हो गया, या लम उच्चारण कर लिया थोड़ा समय तो पृथ्वी तत्व तो एक्टिव हो जाएगा। वम बीज मंत्र का उच्चारण करें या पानी भी पिए और वम मंत्र उच्चारण करें तो आपका जल तत्व एक्टिव हो जाएगा। फिर आप चेक करें जल तत्व किस तरह से हमें चेक करना है वो आपको मालूम है। हाँ, तो इस तरह से हमें ये देखना है। तो इस तरह से आप करके ये यात्रा पे निकलोगे तो वो यात्रा अचूक सफल होगी। और तत्व में लिया हुआ मकान शुभ होता है, तो जल तत्व में हमेशा शुभ कार्य होते हैं, पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में, ये दो तत्व हैं। देखिए पृथ्वी तत्व 20 मिनट चलता है और जल तत्व 16 मिनट, तो लगभग लगभग आधा घंटा तो यही हो गया। 1 घंटा हमारा स्वर चलता है, उसमें से हमारे पास आधा घंटा तो ये दो हो गए, आपके तीनों आधा घंटे में है, तो हमें हमारे पास ये टाइम आधा घंटा मिल गया, ये काफी टाइम है। आप 60 मिनट यानी 60 मिनट एक स्वर चलता है हमारा, उसमें 50 मिनट सॉरी 30 मिनट तो ये हो गए, 36 मिनट। तो ये आप चेक करें, इस तरह से हमें चेक करना है, इस तरह से हमारा शेड्यूल हमें बनाना है। हाँ राकेश जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ ये सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे जो आपने पृथ्वी तत्व वाला बताया था, जो जो सीजनल वर्क होते हैं, जैसे शुगर मिल सीजनल चलती है, भट्टे का काम सीजनल चलता है, और 6 महीने चलता है 6 महीने बंद हो जाता है, तो जब फिर से शुरुआत करें हर साल, तो उसे आपके पृथ्वी तत्व में शुरुआत करें। जी बिल्कुल सही, पृथ्वी तत्व या जल तत्व दोनों में से किसी में भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जैसे शुरुआत करने का मतलब, जैसे हम जैसे कोई भी काम करने से पहले अपने यहाँ पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, हवन की शुरुआत करें, या जैसे कोल्ड स्टोरेज ऑन करना है तो उसका लीवर पृथ्वी तत्व या जल तत्व में ऑन हाँ करें, क्या करेगा? हाँ बस वही जो लीवर जो है ना आपने पूजा करनी, वो जी ठीक है जब आप उसको अच्छा ऑपरेट करते हो, बराबर है, जब आप जी किसी मशीन को ऑपरेट करते हो या जो भी आप स्विच ऑन मशीन का करते हो वो समय आप देखिए, जी अच्छा बराबर उस समय को हमें देखना है। ठीक जैसा आपका ईंट का भट्टा है तो आप ईंट भट्टे की शुरुआत क्या करोगे, कुछ भट्टा चालू करके करोगे ना, ऐसा कुछ होता है? जी सर जी सर, फायर डालते हैं, आग डालते हैं जब उसमें। हाँ बराबर, तो उस समय में जी वो तत्व देखना है आपको, अच्छा ठीक है सर। बराबर। उसी तरह अग्नि तत्व जो 12 मिनट चलता है, उसका शेप जो है, आकार जो है वो त्रिकोण है, सब आप जानते हैं, कलर लाल है, और उसका जो बीज मंत्र है वो रम है, मणिपुर चक्र। रम बीज मंत्र अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारा मणिपुर चक्र है। तो रम का उच्चारण करके भी आप अग्नि को बढ़ावा दे सकते हैं या अग्नि तत्व को एक्टिव कर सकते हैं। अग्नि तत्व में किया हुआ विवाह सफल नहीं होता है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, अग्नि तत्व में किया हुआ विवाह सफल नहीं होता है, अग्नि तत्व में किया हुआ व्यापार सफल नहीं होता है, अग्नि तत्व में की भागीदारी लंबी नहीं चलती है, किसी को दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता है। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, हमने अपने सगे संबंधी को पैसा हुआ दिया हुआ है उधार, वो काम से आते हैं मांगने के लिए, भाई मैं 2 4 दिन में देके जाऊंगा, 5 दिन में लेके जाऊंगा, मगर फिर वो पैसा यदि आपने अग्नि तत्व में दे दिया है तो वो वापस नहीं आएगा किसी भी किसी कारणवश। अग्नि तत्व में मकान की नींव यदि आप खोदते हो तो वो मकान बनते समय अकस्मात होते हैं, उस समय ध्यान से सुनिएगा, अग्नि तत्व में यदि मकान की नींव खोदी जाए तो वो मकान बनते समय कंस्ट्रक्शन के दौरान उसमें अकस्मात हो जाएंगे, उसमें ये अकस्मात क्या मतलब सर? अकस्मात है, ऊपर से कोई नीचे गिर गया, पानी की टंकी में अच्छा गिर गया, या दीवार गिर गई, या चोरी हो गई, इस तरह से अशुभ एक्सीडेंट घटना, हो जाएंगे अकस्मात। एक्सीडेंट चालू रहेंगे वहां। हाँ, तो ये आप बात ध्यान रखें,
क्रूर काम जो है क्रूर वो अग्नि तत्व में करना चाहिए, हार्ड वर्किंग जो है वैसे काम क्रूर काम वो काम इसमें होते हैं। जैसे कोई भारी काम करना हो या किसी पे विजय पाना हो तो ऐसे जो क्रूर काम होते हैं जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह है जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, फिजिकल बॉडी की जरूरत ज्यादा होती है, मानसिक की कम होती है, तो ऐसे काम जो है हमें अग्नि तत्व में करने चाहिए। जैसे किसी लड़ना हो जी सुन से? आपकी आवाज क्लियर नहीं है सुरेंद्र जी। हाँ बताइए फिर से। जैसे किससे झगड़ा करना हो सुरेंद्र, जैसे किसी झगड़ा करना हो। हाँ जी हाँ जी, झगड़ा करना हो किसी से, हाँ तो आप बराबर जाइए अग्नि तत्व में, उसके ऊपर हावी रहेंगे आप, तो सर जो लोग पट्टियां चलाते हैं। एक मिनट सर, मिर्च खाकर उसके ऊपर चढ़ाई कर दे जी, मिर्च खाकर हाँ उस पर चढ़ाई कर दे। हाँ वो हो सकता है ना, आपकी विजय होगी। मेथी मिर्ची खाने की क्या जरूरत है, तीखा सा समोसा खा लीजिए और क्या है, स्पाइसी कोई स्पाइसी खा लीजिए। अब मिर्ची खा सकते तो अच्छी बात है। हाँ अब मिर्ची खा के ही निकलिए उस समय, फिर झगड़ा कीजिए तो आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे। हाँ और किस कोई कौन बोल रहा था, किसका प्रश्न था सर? ये पूछना, जो लोग फायर का काम करते हैं, अग्नि का, आग का काम करते हैं, तो वो अग्नि तत्व में करना चाहिए क्या? नहीं, अग्नि का काम करते हैं वो अग्नि में करना चाहिए, बराबर है, मगर काम किस तरह का है। देखिए एक लोहार होता है, लोहार जो अग्नि भट्टे से वो करता है, वो उसकी रोजी रोटी है वहां, तो अग्नि से करेगा तो वो उस पर हावी रहेगा, नहीं तो क्योंकि वो हार्ड वर्क है ना, हथौड़ा है अग्नि से वो करना है, लोहे को गर्म करना है, एक शेप देना है। जैसे आपके भट्टे में भी जो लोग काम करते हैं वो भी तो हार्ड वर्क करते हैं ना जी सर, वो इसमें उनको तो अग्नि तत्व ये चालू रखना चाहिए ज्यादा, ताकि उसके पास वो अच्छा स्टेमिना मिले, उन्हें पावर मिले। अच्छा चंद्रस्वर चलेगा, चंद्रस्वर में तो वो थक जाएंगी फिर। हाँ तो उनको उनके लिए ऐसे जो हार्डवर्क है, जो भी आप इस तरह से काम करें जैसे हार्डवर्क करना है मेहनत वाला, वो अग्नि तत्व में करें। ठीक है जी सर, आगे बढ़े हैं जी। वास्तु ट्रीटमेंट करते समय अग्नि तत्व में करनी चाहिए या? नहीं 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 बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सर, वो आपकी ट्रीटमेंट जो है फेल हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि तो आप भी जो, जल तत्व में आप जो रेमेडी देते हो सामने वाले को, जो उपाय करते हो वो स्थायी रहनी चाहिए ना, वहां परमानेंट रहनी चाहिए ताकि उसका उसको फायदा हो। हाँ तो वो जल तत्व में भी अच्छी बात है और पृथ्वी तत्व में भी अच्छी बात है, पृथ्वी तत्व में जो है वो स्थायी रहेगी वहां। अच्छा, तो आप जल तत्व या पृथ्वी तत्व में आप वास्तु की उपाय वहां कर सकते हैं, रेमेडीज आप कर सकते हैं उस समय। अच्छा आगे बढ़े जी। जी सर, वायु तत्व जो करीबन 8 मिनट तक चलता है, 60 मिनट में से 8 मिनट जो है वो वायु तत्व चलता है, श्याम रंग वाला यानी थोड़ा ग्रे कलर का, गोलाकार, उसका शेप जो होता है वो गोलाकार होता है, और यम ये उसका बीज मंत्र है यम। तो यम मंत्र का उच्चारण करके भी आप वायु तत्व को एक्टिव कर सकते हैं। वायु तत्व में की हुई शादी टूट जाती है, वायु तत्व में शुरू किया हुआ बिजनेस बंद करना पड़ता है आपको, और वायु तत्व में की हुई भागीदारी पार्टनरशिप लंबी नहीं चलेगी। वायु तत्व में दिया हुआ पैसा आधा ही वापस मिलेगा, आपने 1 लाख दिया तो वो आपको 40-50-60 हजार रुपया इस तरह से आपको धक्के खा खा के मिलेंगे, वो बाकी का भूल जाइए आप। तो दिया हुआ जो भी पैसा है या जो भी आपने किसी को कुछ दिया हुआ है वो आधा ही आपको मिलेगा। वायु तत्व में मकान की नींव खुद ही जाए तो वो मकान कभी पूरा नहीं हो पाएगा,
उसका काम ही पूरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी जो भी है वो। तो वायु तत्व में मकान की नींव खुदी जाए तो वो मकान कभी पूरा नहीं होता है। वायु तत्व में मांगी हुई मदद में सिर्फ आश्वासन मिलता है। आप किससे कहते हो भाई ये मेरा ये काम है, थोड़ा आप हेल्प करना, ये मेरे साथ रहना, जो भी आपने किसी से हेल्प मांगी है तो वो हा हा तो कर देगा, एंड समय पे वो फिर नहीं आएगा, तो सिर्फ आश्वासन मिलेगा, हाँ हाँ मैं कर दूंगा ना, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप आगे बढ़े मैं हूं, आप करें ये मैं हूं। फिर जब समय आएगा तब आप देखोगे आप अकेले खड़े हो। तो वायु तत्व में मांगा हुआ मांगी हुई मदद सिर्फ आश्वासन के रूप में आपको मिलती है, उसका सपोर्ट फिजिकल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा उस समय, चाहे फिर आपने सगे भाई से वो मदद मांगी हो वो नहीं मिलेगी, वो तत्व का दोष है, सामने इंसान का नहीं है, हमने परिस्थिति ऐसी क्रिएट की। वायु तत्व में उसे मदद मांगी तो नेचर अपना काम करेगा, वो किसी न किसी की वजह से आपको वो बोल तो देगा मैं आऊंगा, पर वो कहीं अटक सकता है ना उस समय, वैसी भी परिस्थिति बन सकती है, तो मदद नहीं मिलेगी आपको। तो इस समय किसी से मदद मांगना हो वो पैसे की भी हो सकती है और फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, तो वो समय आप स्वर चेक करके जाएं। वायु तत्व यदि चल रहा है या अग्नि तत्व चल रहा है तो आपको कुछ वहां हेल्प नहीं मिलेगी। हाँ तो अग्नि तत्व में वायु तत्व में शुभ काम नहीं करने हमें, ये तो हमने देख लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई किसी को प्रश्न है वायु तत्व में? नहीं सर। हाँ घर घर की नींव खोदना है, घर घर रेंट अजय साहब किसी से पार्टनरशिप की है तो पार्टनरशिप की बात करिए या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करते समय किस समय माना जाएगा वायु तत्व? जैसे पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो किसी से पहले हम बातचीत कर रहे हैं उसमें वायु तत्व हो या एग्रीमेंट करते समय वायु तत्व हो, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप एक दो दिन में तो हो नहीं जाती जी, तो उसके लिए पहले से बैठ के मीटिंग होती है, बातचीत होती है, सारी स्कीम तैयार की जाती है, तो वायु तत्व किस समय का माना जाएगा? तत्व जब बात करते हो तब भी माना जाएगा, साइन करते हो तब भी माना जाएगा, आपको उससे जब अप्रोच करना है उसे, पहली बात तो बात उसे सामने रखोगे ना अपना मुद्दा, तब भी आपको देखना है वायु तत्व या अग्नि तत्व चालू ना हो, नहीं तो उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपकी भागीदारी हो जाए मगर वो टूट जाएगी, यदि अग्नि तत्व है तो भी और वायु तत्व है तो भी सिर्फ आश्वासन मिलेगा, हाँ हम भागीदारी कर लेंगे ना, अरे आप चिंता क्यों करो राकेश जी, हम दूसरा भट्टा चालू कर लेंगे, हाँ आप चिंता ना करें मैं आपके साथ हूँ ना, अरे आप इतना लगाना है ठीक है मैं इतना पैसा लगा दूंगा, आपने इस तरह से प्लानिंग बना दी और फिर जा जब समय आया तब बोलेगा नहीं राकेश जी मेरे पास था मगर अभी उसको दे दिया, अभी मेरे पास था या आने वाला था पैसा अभी आया नहीं, वो उधर अटक गया है, तो इस तरह से बनेगा। तो जब भी आप बात करें दो ही तत्वों में बात करें, शुभ कार्य करना है तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, बाकी तीन तत्वों को छोड़ दीजिए, चिंता से बात कोई भी कार्य करना हो। हाँ हाँ किसी से छुटकारा पाना है तो वो अग्नि तत्व, जो हमें पसंद नहीं है वो करना है तो अग्नि तत्व, सीधी सी बात, डस्टबिन उठा के बाहर डालनी है तो वो अग्नि तत्व, क्योंकि हमें पसंद नहीं है ना, तो आपको जो पसंद नहीं है, जो इंसान भी पसंद नहीं है उसके सामने भी आप अग्नि तत्व से बात करें, या आपका सूर्य स्वर चलता हो वो साइड उसकी ओर कर दे ताकि आप उसके ऊपर हावी रहे, क्योंकि हमें वो रिलेशन नहीं रखना उससे, उससे वहां से हमें उससे दूर जाना। तो इस तरह से जो चीज हमें पसंद नहीं है वो आप अग्नि तत्व में करें, ठीक है जी सर, जो आपको पसंद है वो सिर्फ जल तत्व और पृथ्वी तत्व में करें, इतनी सिंपल सी बात याद रखें, तो उसमें सब कार्य आ गए। क्या आपको पसंद है कि भट्टा अच्छा चले तो सोच ले बस, क्या आपको पसंद है कि मेरा इससे रिलेशन अच्छा मुझे रखना है तो वो काम उसमें करें, दोनों चीज दोनों ही तत्व में, सिर्फ जल तत्व और पृथ्वी तत्व, बस आप चाहते हैं कि मेरा इससे रिलेशन अच्छा हो तो उसमें आप चाहते हैं। नहीं आवाज चली गई सर, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हमें आ रही है राकेश जी, आपके वहां कोई दिक्कत आवाज नहीं आ रही सर, आपके वहां दिक्कत है, सबको आवाज आ रही है? आ रही है आवाज सर। राकेश जी आपको आवाज नहीं आ रही है तो फिर से आप ज्वाइंट हो जाइए, ठीक है, बाकी सबको आवाज आ रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो आपको पसंद है वो पृथ्वी और जल तत्वों में करें, जो पसंद ना है वो बाकी के तत्वों में करें।
ये एक लास्ट वाला तत्व हम देख लेते हैं, आकाश तत्व जो 4 मिनट चलता है, तो जिसका आकार जो है वो निराकार है और उसका जो मंत्र जो है बीज मंत्र वो हम हम, तो आकाश तत्व आपको मिल जाती है सर। बराबर आवाज आपका वहां कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है राकेश जी? बाकी सबको आवाज आ रही है, आप रिज्वाइन कीजिए फिर से। आप फिर से रिज्वाइन कीजिए। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी मैं बोला ही नहीं, बोल रहा हूं। अब आ रही है? अब आ रही है राकेश जी? आप आपके वॉइस दिक्कत है, बाकी सबको आवाज आ रही है। आप रिज्वाइन कीजिए एक बार फिर देखिए। हाँ बाकी सबको आवाज आ रही है। सर उनको वो भी सुनाई नहीं देता रहे आप जो बात कर रहे हो। हाँ जी आप जो बात कर रहे हो वो भी सुनाई नहीं दे, उनको इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं आप वो भी सुनाई नहीं देता होगा। हाँ एक मिनट में चेक करके डाल देता हूँ। हेलो राकेश जी आवाज आ रही है? आवाज सब आवाज आई ना। हाँ अब हम आकाश तत्व की ओर जाते हैं, आपके वहां कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सबको आवाज आ रही है राकेश जी। हाँ अच्छा सर। हाँ तो हम बीज मंत्र है आकाश के लिए, जिसका आकार जो निराकार है, आकाश तत्व में शुरू किया हुआ बिजनेस सफल नहीं होता है, आकाश तत्व में की हुई शादी टूट जाती है, आकाश तत्व में दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलता है, आधा भी नहीं, कभी वापस नहीं मिलता है, आप नोट कर लीजिएगा। तो पैसे देते लेते समय काफी ध्यान रखें, आकाश तत्व में दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, चाहे आपने किसी को भी दिया हो, आपके भाई हो या बहुत अच्छे आपके संबंध जिसके साथ हो उसको भी, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगा कि वो दे नहीं पाएगा। फिर आकाश तत्व में की हुई यात्रा कभी सफल नहीं होती है, चाहे आप कितनी भी तैयारी करके जाए, सब कुछ आपके अनुकूल हो, फिर भी आकाश तत्व में की हुई यात्रा में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आकाश तत्व में लिए हुए घर में कभी सुख शांति नहीं मिलती है, चाहे आप वास्तु के कितने भी उपाय कर लें, उसमें यदि आकाश तत्व में उसका एग्रीमेंट हुआ है या आकाश तत्व में उन्होंने ग्रह प्रवेश किया है या आकाश तत्व में नींव खो दी है उस घर की, तो उसमें कभी सुख शांति नहीं रहेगी। आकाश तत्व में ली हुई गाड़ी अकस्मात का कारण बनेगी, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर क्यों ना हो, सामने वाला तो आके ठोक सकता है ना, आप तो अच्छे चला रहे हो, सामने वाला तो आ सकता है ना, डिवाइडर के उधर से भी आ सकते हैं, कई बार हमने देखा है। हाँ तो यदि आकाश तत्व में जो गाड़ी ली है वही सामने आएगी, बाकी सब निकल जाएगी आगे पीछे से। तो आकाश तत्व में ली हुई गाड़ी अकस्मात का कारण बनती है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आकाश तत्व में आप हो सके तो कोई कार्य न करें, न कुछ खरीदें। देखिए होती 4 मिनट है, मतलब 4 मिनट में आपने यदि साइन कर दी या चेक में साइन कर दी गाड़ी के लिए, चलो ये आपके 20 लाख 10 लाख 5 लाख ये मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो वो जो समय है वो 4 मिनट का समय वो आपकी इसको पूरा खराब कर सकता है, तो ये ध्यान रखें। तो आकाश तत्व में कोई शुभ कार्य न करें, कहने का तात्पर्य भी क्या, 5 तत्व देख लिए, तो 5 तत्व में पृथ्वी तत्व और जल तत्व जो करीबन 36 मिनट चलते हैं 1 घंटे के अंदर, तो हमारे पास काफी समय है, 36 मिनट यानी 20 मिनट और 16 मिनट, तो कोई भी शुभ कार्य करने हैं वो हमेशा पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में करें। तो जो आपको पसंद नहीं है वो बाकी के 3 तत्वों में करें आप। तो ये 5 तत्व की हमने बात की और उसका उपयोग भी हमने देखा कि 5 तत्वों में
कौन से तत्व में कौन सा कार्य हमें करना है। तो ऐसे सब कार्यों में फल देने वाली ये प्राण विधि है।